नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं सूबे की सभी आवाम को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात हर मजहब के और हर संप्रदाय के तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज साल का अंतिम दिन है, नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है, आने वाले नए वर्ष के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट न्यूज। बड़कागांव विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक पहली बार जीत के बाद बड़कागांव पहुंची, जहां पंकरी बरवाडी के ग्रामीणों एवं पूरे बड़कागांव प्रखंड कार्यकर्ताओं ने पंकरी बरवाडी के भोक्ता स्थान के पास गर्मजोशी से बूके देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अंबा प्रसाद ने भी बड़ों और महिलाओं को चरण छूकर आशीर्वाद लिए। इसके साथ ही बरवाडी शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर हनुमान मंदिर दुर्गा मंडप में माथा टेका। वहीं पहले से तैयार कार्यकर्ताओं ने माथे में पगड़ी और हाथ में ठंडक का हौसला बढ़ाया कि फिर विजय जुलूस का शुरुआत किया। पहले से सजे वाहन पर नवनिर्वाचित विधायक अंबा प्रसाद उसके भाग में यही संदेश देंगे कि हमारे देश में या हमारे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी निभाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कि शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, ऊंचा हो। भाई सुमित कुमार, चाचा रविंद्र साव उर्फ छोटू साव ने सवार होकर गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस आगे बड़कागांव चौक होते हुए माँ अष्टभुजी माता मंदिर कंडा बेर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपने पैतृक गांव पहरा जाकर इष्ट और कुल देवताओं को नमन करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि कम उम्र की विधायक 2019 की झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुई है। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशनलाल चौधरी को 31,514 मतों से पराजित की। अंबा प्रसाद को 98,862 मत मिले थे और रोशनलाल चौधरी को, जो आजसू के प्रत्याशी थे, उन्हें 67,348 मत मिले। तीसरे नंबर भाजपा के लोकनाथ महतो को 31,761 वोट मिले थे। विजय जुलूस में कार्यकर्ताओं में जोश देखते बन रहा था। कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, योगेंद्र साव जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद या जनता की जीत, बड़कागांव कार्यकर्ताओं की जीत अमर प्रसाद बताती है, क्योंकि उसके पिताजी योगेंद्र साव को मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया गया और माँ को फंसा कर ताली पार कर दिया गया। आंदोलन विस्थापितों के आंदोलन करने के आरोप में राज्य बदर कर दिया गया था और बिना माता पिता के ही चुनाव मैदान में उतरी अंबा प्रसाद को जनता का अपार समर्थन मिला और वे यहाँ से रिकॉर्ड मतों से भी जीती। कांग्रेस पार्टी यहाँ लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। बात करें अंबा प्रसाद की तो इन्हें बहुत कम उम्र की विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन यह उच्च शिक्षित विधायक हैं। इन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई CBSE से की है, बाद में BIT मिश्रा से BBA एक्सटेंशन कोर्स की है, वहीं MBA HR विषय में कर चुकी हैं। इन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से LLB की भी डिग्री हासिल की हैं। ISS की PT परीक्षा क्वालिफाई की थी अंबा प्रसाद। इसी क्रम में बड़का गांव के चिरुडी में कफन सत्याग्रह के दौरान उसकी मां विधायक निर्मला देवी को राज्य बदर कर दिया गया और पिता को पुराने मुकदमे में जेल में। 9 वर्ष के शुभ अवसर पर आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। सबों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ, इसकी कामना करता हूं।